यार क्या बिल्ली तरीके से क्रैश कर गया भाई साहब। अबे नूबड़े रेस लगाएगा। ओ भाई क्या कर रहे हैं? अभी मिला भी रेस लगाने में लग रहा है। कटिंग 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 कटिंग। हाँ नहीं मानता नहीं मानता। उन हल्ला पहचान ना। क्या ले? ठीक हो? और माँ उन हल्ला पहचान दे है? मैं निकली है कसम गेट तेरा पहला गेर मां मेरे छे गेट का पहला गेर इंजा ज्यादा उड़ते उड़ते उखना। गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम बैक के एम ब्लॉग। वो कहता हूँ ऐसा सब बढ़िया होंगे सब बड़े होने चाहिए। नए ब्लॉग की शुरुआत नए दिन से कर रहे हैं। तो गाइस आज हम जाएंगे मस्ती राइड पे। तो पहले वरुण भाई के पास जाना पड़ेगा। वरुण भाई कुछ काम से गए थे तो मुझे यूनिवर्सिटी के बाहर बुला रहे हैं। पहले उनके पास जाना पड़ेगा उसके बाद ब्लॉग बनाने जाना है। इसका मतलब पहले मुझे उसके पास जाना पड़ेगा उसके बाद उसके घर पर जाना पड़ेगा उसके बाद ब्लॉग बनाने जाना पड़ेगा। यार कितना खज्जल करता है कसम से। मुझे बोलता बस मेरा काम खत्म हो गया रोज खज्जल करता है इसलिए मेरे डेली ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। हम आ गए यूनिवर्सिटी वाले रोड पर। तो ये पता नहीं कहाँ खड़ा होगा, देख लेते हैं कहाँ पे है। अगर यहाँ से भी खज्जल किया ना इसने कसम से मेरे से मार खाएगा। कुछ नहीं है यूनिवर्सिटी तो ये है खड़ा। ये हाँ जी चलो बच्चे पागल छपरी बॉय। सो गाइस ये काम पे गया था, देख रहे हो काम करता है ये। अबे नूबड़े रेस लगाएगा। ओ भाई क्या कर रहे हैं? अभी मिला भी रेस लगाने में लग रहा है। अबे मेरा 250 cc है तेरा 150 cc है कहाँ मानेगा भाई 250। मैं नहीं करूँगा रेस है तेरे से। नहीं कर नहीं कर नहीं कर क्यों वो दिखा भाई नहीं कर पंगे। ओ भाई पागल है भाई। भाई 390 की पावर है ना वो नेक्स्ट लेवल पावर है। नहीं मानती भाई 390 नहीं मानती। ओ बजने वाला था
भाई। जल्दी जल्दी बाइक आ जाएगा ना, फिर उसके बाद टेंशन नहीं है, कितनी मर्जी स्पीड लाओ आवाज़ पूरी क्लियर आएगी। अभी तो आवाज़ पूरी क्लियर आ रही नहीं होगी आपको, बट उसके बाद जो आवाज़ होगी ना वो नेक्स्ट लेवल आवाज़ होगी। नहीं मंदा नहीं मंदा, हूँ हला पछाणना क्या है, ठीक हो? और माँ हूँ होना पछाण दे है। मैं निकली है कसम, मैं हाथ मिलाया माँ क्या हाल है, तू निकली क्या इन्हें के? हाँ चल कोई नहीं माँ, आहो कि अच्छा अच्छा एम एस बी। तो भाई साहब जेड एक्स टाइनर की लुक देख रहे हो, जबरदस्त लुक लग रही है कसम से, जानू भाई की बाइक है ये, तो जम्मू में फर्स्ट बाइक यही आई थी जानू भाई की बाइक। तो भाई साहब लुक चेक करो, तो अर्जुन भाई चला रहे हैं एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट लगवाना 1 मिलियन पर हो जाने हैं, 2 हफ्ते हो जाने हैं। तो देख रहे हो लुक, तो भाई तेज़ नहीं चलाते इतना, क्यों नहीं चलाते, तो कुछ बाइक को इतना तेज़ पसंद भी नहीं है। अभी देख लो 1000 cc है और बाइक को तेज़ पसंद ही नहीं है बाइक चलाना। तो भाई जा रहे हैं जानू भाई की बाइक लेके, जानू भाई की बाइक यहीं पर लगेगी और लगाते हैं इनसे रेस एक बार Daiso, तो देख रहे हो। भाई ये पहला गियर और इसके 6 गियर एक बराबर गियर होते हैं इसके, इसका पहला गियर और इसके 6 गियर कसम से। भाई क्या लीन मार रहा है कसम से, अर्जुन भाई चलाएंगे नहीं इतनी फास्ट, भाई चढ़ते पड़े कसम से। भाई जेड एक्स टाइनर को पकड़ना आसान काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। भाई लगी वो मेरा ब्लॉग नहीं देखा हुआ है जेड एक्स टाइनर वाला, वो पीछे ब्लॉग देख लो, 3-4 ब्लॉग पीछे यही बाइक रुकी हुई थी भाई, ताकड़ बाइक है कसम से। भाई जो इसके एक एक पार्ट है ना, अगर गलती से गिर गई ना कसम से 2 से 3 महीने लगते हैं पार्ट आने में ही सिर्फ, और इतने महंगे पार्ट है ना, इतने कॉस्टली पार्ट है ना इसके, क्या बताऊँ। ये 6 गियर तो तेरा पहला गियर क्यों यार, लैग होइया माँ, ये 6 गियर तो तेरा पहला गियर माँ, ये 6 गियर तो पहला गियर इन्हें ज्यादा उड़ते उड़ते उसे देख रहा मैं, 6 गियर चल ठीक है। तो भाई अर्जुन भाई भी चल गए वहाँ पे, अर्जुन भाई मिले थे हमको जानू भाई की बाइक पर। तो अभी फर्स्ट सीन ये है कि मैं अकेला रह गया हूँ, तो मुझे अकेले ही घर पे जाना पड़ेगा। वो चलते हैं गाइस, कोई नहीं भाई, ट्रैक वाले ने राजा डीसी की गाड़ी को ठोक दिया, तो अभी और कौन से नहीं टूटी भाई साहब, नई गाड़ी पे भाई साहब ठोक के चला गया भाई है यार, भाई साहब ये देखो यार क्या गंदी तरीके से क्रैश हो गया भाई साहब। गाड़ी खोल दिया,
गाड़ी खोल के।